खबर झांसी के मौरानीपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां नगर पालिका द्वारा अवैध कब्जा हुई जमीन को मुक्त कराकर सुरक्षित कराने का कार्य दीवाल बनाकर किया जा रहा था, जिसे रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सहित नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और मौका का मुआयना कर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। बताया गया है कि सालों से नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसको नगर पालिका द्वारा बुलडोजर की मदद से मुक्त कराया गया और अब उसे सुरक्षित कराने का कार्य नगर पालिका द्वारा दीवार बनाकर किया जा रहा था, जहां रात्रि में अज्ञात लोगों के द्वारा निर्माणाधीन दीवार को जमींदोज कर दिया गया, जिसकी शिकायत नगर पालिका द्वारा पुलिस से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक पहले दिन 27 तारीख को दो पार्ट बाउंड्री के दो पार्ट दो कॉलम के बीच में तोड़ा था, उसके सापेक्ष में FIR दी थी थाने में। कल उसके बाद दीवार पूरा करा दिया और कल रात में 30 की रात में फिर पूरा गिरा दिया है। तो ये घटनाक्रम हुई, अभी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, मौका भी उन्होंने देखा हुआ है, देख लिया आज। इसके बाद कड़ी कार्रवाई का प्रयास किया जाए, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, अतिक्रमण अभियान के दौरान इसको पूरा काफी जद्दोजहद के बाद इसको हटा पाए थे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवैध कार्य करने वालों पे एवं भू माफियों पे निरंतर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश को देख के कई प्रदेशों में और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन हमारे मऊरानीपुर में ये नगर पालिका द्वारा ये बहुत कीमती बेशकीमती जमीन कई सालों से कब्जे में थी, इसको मुक्त कराया गया और उसको हम लोग अपने पजेशन में लेकर सुरक्षित करने का काम कर रहे थे। इसमें कई 2-3 दिनों से अड़चने पैदा करने के लिए कुछ भू माफिया यहाँ आके विघ्न पैदा कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डालने का काम कर रहे हैं और कल रात को उन्होंने इस बाउंड्री को गिराया गया है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इनको चिन्हित करके इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।